जी नहीं, विशाल सक्सेना नाम का आदमी को भर्ती नहीं हुआ। आप प्लीज एक बार ठीक से चेक कीजिए। ठीक से देख तो चुका हूँ आपके सामने, और कितनी बार देखूंगा। अच्छा, ऐसा कोई रजिस्टर है जिसमें? मैडम आप तो मुझे बिल्कुल बेवकूफ समझ रही हैं। मेरा काम ही यहाँ पेशेंट भर्ती करना है, और जो भी यहाँ भर्ती होता है इस रजिस्टर पर नाम लिखाए बिना अंदर नहीं जाता। हेलो। हेलो आंटी। किरण, किरण बेटी तू वहाँ पहुँच गई? विशाल से मिली? कैसा है वो? क्या हुआ उसे? तूने तूने विशाल से बात की? हेलो हेलो किरण, किरण तू चुप क्यों है? विशाल तुझे मिला या नहीं? आंटी वो फोन झूठा था, विशाल यहाँ नहीं है। इस नाम का कोई भी पेशेंट यहाँ एडमिट नहीं हुआ है। अपना दिल मजबूत कीजिए आंटी, शायद हमारे नसीब में मायूसी लिखी है। बेटे तू मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुझे इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। आंटी ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत सोचिए। मैं आपके दिल की हालत समझ सकती हूँ। मैं बॉम्बे आकर आपसे बात करती हूँ। ओके बाय। उठ जा, सुबह सुबह आंखें मूंदे रहते हैं। हाँ तू तो बड़ा काम करती है, एक कप चाय पिलाती है और बाकी सारा दूध खुद पी जाती है। अरे जा जा, मनीष की झूठन कौन उठाते है? तू उल्टी कौन साफ करते है? तू अरे इतना भी नहीं करेगी तो तनख्वाह किस बात की खाएगी? अरे हट, बात करता है। अब उस मरीज को देख, एक्सीडेंट में सर फुड़वा के आया है, इतना खून निकला इतना। मैंने अकेले ने साफ किया, घर वालों का कोई आता पता नहीं। फोन किया कोई भी नहीं आया, मेरे पास छोड़ दिया। तू साफ करेगा खून? चल जा जा, अभी दिमाग मत चाट। तुझे तो खून सूचने की आदत है। सुनिए आप ये किस मरीज की बात कर रही है? रात को कोई भर्ती हुआ, बड़ी चोट लगी बेचारे को, फोन किया कोई भी नहीं आया। लेकिन मैंने अभी अभी इनसे पूछा, इन्होंने कुछ बताया नहीं। ये क्या जाने, जब भर्ती हुआ तो उसका कोई नाम पता नहीं मालूम था, बाद में पता मालूम पड़ा। किस वार्ड में है? वार्ड नंबर 8 में पड़ा है। मैडम अपना सामान तो लेते जाइए। मिस किरण, इनका भयानक एक्सीडेंट हुआ है, दिमाग पर असर पड़ने का खतरा है। कितना असर पड़ता है, कैसा असर पड़ता है, वो तो इनके ठीक होने पर ही कहा जा सकता है। कोई देख नहीं रहा है, बदतमीज लोग। पहले कहा था कि पार्टी में सीधे मिलते हैं, नहीं पहले यहाँ मिलते हैं, कुछ खाते वाते हैं, फिर पार्टी में चलते हैं। अगर यहाँ खाते पीते हैं तो वहाँ क्या करते हैं? स्टपट, छोड़ूंगी नहीं उन्हें, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मैं। सॉरी। आप कुछ परेशान लग रही हैं। जी जी नहीं, कोई खास बात नहीं। किसी अजनबी को बताने में शायद आप झिझक रही हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो पार्टी में जाना था और मेरे फ्रेंड्स मुझे यहाँ मिलने वाले थे और कोई नजर नहीं आ रहा है। आज के लिए मैं आपका फ्रेंड बन जाता हूँ। आई एम विशाल सक्सेना, और आप? मैं किसी अजनबी को अपना नाम नहीं बताती और ना ही उसे अपना दोस्त बनाती,
सॉरी। हर फ्रेंड फ्रेंड बनने से पहले अजनबी होता है। हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन मैं तो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती। चलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देता हूं। मैं एक मुजरिम हूं, अभी अभी 14 साल की सजा काट के आया हूं, और पिछले महीने मैं फिर जेल गया था क्योंकि एक लड़की को मैंने छेड़ा था, और उसके बाद मैंने उस जेलर का खून किया और वहां से भाग निकला। आजकल मैं ड्रग्स में डील कर रहा हूं, और पार्ट टाइम में मैं दारू की भट्टी भी चलाता हूं, और बंदूक रखना मेरा शौक है, हर कोई पसंद आ जाए तो उसे चला भी देता। और एक बात, मुझे खून की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अब आप क्या मेरे साथ दोस्ती करेंगे? आप तो 36 गुणों से भरपूर है, लेकिन आपने एक गुण अपना नहीं बताया। क्या? आप झूठ बहुत सफाई से बोल लेते हैं। अब भी आप अपना नाम नहीं बताएंगे क्या? किरण, किरण। इतने खूबसूरत रॉक्स हैं, उन पर बैठ जाओ। तुम तो बैठ ही गए, लेट जाओ। हाँ यार, एकदम लेट जाने को तो नहीं कहा था। चाहते क्या हो ये बदलो? अच्छे पॉजेस दो ना। तुम तो एकदम स्टिफ हो जाते हो विशाल, इतना कॉन्शियस मत हो, रिलैक्स यार, लीव योरसेल्फ लूज। ओके, हाथे की तरह फैलने से कोई अच्छा पोज बनता है, ऐसे कोई फोटो नहीं खिंचवाता है विशाल। एक अच्छा सा स्टाइल दो, एक अच्छा सा पोज दो। ऑफ गॉड, बस इनफ इज इनफ। दूसरों में नुक्स निकालने के अलावा तुम्हें कुछ आता भी है? अब आप मेरे से बात कीजिए। अब समझे, फोटो खिंचवाना इसे कहते हैं। रिजल्ट्स आएंगे तो देख लो। रिजल्ट देखना है तेरे को? विशाल ये क्या कर दिया तुमने? पूरा रोल निकाल दिया, पूरा रोल एक्सपोज कर दिया तुमने, सारी तस्वीरें खराब हो जाएंगी, मेरी सारी मेहनत तुमने बर्बाद कर दी। विशाल विशाल, तुमको क्या है? तुम दिनों दिनों तक गायब रहते हो और मैं मैं सोचती हूँ मैं तुम्हारी तस्वीरों से बात करूं। हजार बार तुमसे तस्वीर मांगी, तुमने एक भी तस्वीर आज तक नहीं दी, इसलिए मैंने तस्वीरें खींची थी और तुम सारी की सारी मेहनत बर्बाद कर दी। आई मैं तुम्हें हरकत के लिए बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। आई हेट यू, आई हेट यू। ये हमेशा तुम्हारे नाक में मक्खी की बैठी रहती। किरण, ए किरण, नहीं, एक बार मुड़ के देखो। जस्ट वंस, आई हेट यू। लिसन टू मी, फॉर गॉड सेक। किरण, क्या है? अरे आज तो जल्दी आ गया। माँ तेरी तबीयत खराब है ना? माँ आज सोचा थोड़ी माँ की सेवा कर लूँ। अच्छा। किरण, किरण कहाँ हो? किरण तुम कहाँ? लुकिंग क्यूट है। माँ के पास ऐसी ड्रेस पहन के माँ के सामने कैसे जाओगे? अरे अभी खींचने से ड्रेस थोड़ी लंबा हो जाएगा। हाँ तुम पहले बोलते थे मुझे। ओके, ऑल राइट। माँ ये किरण है। माँ अच्छा, तो तुम ही किरण हो? जी। बैठ बेटी। अब आपकी तबीयत कैसी है आंटी? विशाल बता रहा था आपको अस्थमा का अटैक हुआ था। बेटी अब तो जिंदगी भर का साथ है, आदत सी हो गई है। हाँ
सर्दियों में दौरे जरा ज्यादा पड़ते हैं। मामा बीमारी की बात करोगी तो बीमारी रहोगी तुम। आई वॉन्ट यू टू फील हेल्दी मामा। वो बेटा किरण ने पूछा तो कहा। माँ तुम लोग गपशप करो, मैं जरा फोन निपटा के आ रहा हूँ। और हाँ मेरी बुराई मत करना आप लोग। बी कंफर्टेबल। कभी कभी सोचती हूँ इसका बचपना अभी तक गया नहीं। विशाल बहुत ही कॉन्फिडेंट है। इतना बड़ा बिजनेस अकेले संभालना, इतनी सारी टेंशन होती है, फिर भी हंसते रहता है। एक टेंशन हो तो बताऊं, इस हंसी के पीछे मैं ही जानती हूँ कितना दर्द छुपाए बैठा है। आपका मतलब उसकी पिछली जिंदगी से है? हाँ बेटी, इस तलाक ने तो उसे अंदर से एकदम खोखला कर दिया है। तुम उसकी दोस्त हो इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। ऊपर से चाहे वो कुछ भी हो, अंदर से उसे बहुत दुख है। तो वो दूसरी शादी क्यों नहीं कर रहे थे? करे तब ना, बहुत समझाया, शादी से तो उसका विश्वास ही उठ गया है। कहता है कि अपनी बीती उलझनों से किसी और की जिंदगी क्यों बर्बाद करूं। मैं कहती हूँ शादी कर ले तो सब उलझन भूल जाएगा। पर माने तब ना, अब कुछ कहो तो कहता है कि माँ जब तक तुम हो मैं कभी अकेला महसूस नहीं कर सकता। अब बताओ भला माँ और बीवी क्या एक चीज है? विशाल बहुत ही अच्छा लड़का है आंटी, जिससे भी शादी करेगा वो बहुत ही खुश नसीब होगी। एक बात पूछूं, तुम मेरे विशाल से शादी करोगी? मैं ये क्या कह रही हो तुम? बता बेटी, तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? तू एक बार फिर इस घर में खुशी ला देगी। मैं अपने बेटे को एक बार फिर खुश देखना चाहती हूँ। तू जो कहेगी मैं दूंगी तुझे, पता तू जो मांगेगी मैं तुझे दूंगी। माँ तमाशा मत खड़ा करो। माँ घर पे कोई भी आता है तुम घर का रोना लेके बैठ जाती हो। किरण चलो तुम यहाँ से। किरण मैंने कहा चलो यहाँ से तुम। किरण मैंने कहा चलो यहाँ से तुम। एक मिनट विशाल। आंटी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं रिश्तों का सौदा नहीं करती। और रही आपकी बात, तो क्या आपने विशाल से पूछा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है या नहीं? किरण तुम इतनी अच्छी लड़की हो, इतनी समझदारी है तुम में, इतनी हमदर्दी शायद किसी और में ना हो। ये तो तुम्हारी अच्छाई है कि तुमने मुझ जैसे इंसान को चाहा, मुझे प्यार किया। लेकिन तुमने ये क्यों पूछा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या नहीं? भला तुम जैसी लड़की को अपनाने से कौन इनकार कर सकता है? ये सवाल तुम अपने आप से करो विशाल। अगर सब कुछ इतना सिंपल होता तो क्या तुम खुद मुझसे मेरा हाथ नहीं मांगते? किरण मैं डरता था कहीं तुम एक तलाकशुदा आदमी से शादी करने से इनकार ना कर दो। देखो विशाल जब तक तुम्हें अपना तलाकशुदा होने का ख्याल परेशान करता रहेगा तब तक तुम कहीं ना कहीं अपनी पहली बीवी सरिता से ही जुड़े रहोगे। और जब तक तुम सरिता से जुड़े रहोगे तुम मुझसे कभी नहीं पूछ सकते, मुझसे कभी नहीं पूछ सकते कि किरण तुम मुझसे शादी करोगे। किरण मेरे दिल में सरिता के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता है तो क्या मैं तुम्हें अभी इसी वक्त पूछूं? क्या तुम? नहीं अभी नहीं विशाल, सिर्फ मुझे यकीन दिलाने के लिए मत पूछो। पहले अपने आप को यकीन दिलाओ, क्योंकि मेरे लिए तुम मेरा पहला प्यार हो। लेकिन तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा पहला प्यार नहीं हूं। मैं तुम्हारे दिल में तभी कदम रखूंगी जब तुम्हारे दिल से तुम्हारा पहला प्यार जा चुका होगा।
बुरी तरह जा चुका होगा। सोच समझ कर फैसला करना विशाल। कल को ऐसा ना हो कि मुझे अपनाने के बाद भी तुम किसी दूसरे की तरफ खींचने लगो। विशाल, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, धोखा नहीं। विशाल, जब तक तुम्हें अपना तलाकशुदा होने का ख्याल परेशान करता रहेगा, तब तक तुम कहीं ना कहीं अपनी पहली बीवी सरिता से ही जुड़े रहोगे। सरिता से ही जुड़े रहोगे। Yeah.
साथ ये चलता चलेगा या साथ ये कुछ पल रहेगा। जुआ ही तो है प्यार, कभी जीत है कभी हार, घबरा नहीं खेल तो यार। मिटा भी दे beautiful.